ये कहानी है दो प्यार करने वालों की। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वैसे तो लड़के का नाम अरमान होता है, पर लड़की का पता नहीं। पर लड़का उसे प्यार से आईना कह के बुलाया करता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। वो कहीं भी जाते थे तो साथ ही जाया करते थे। वो दोनों चोरी छिपके अक्सर मिला करते थे। उनकी एक खास जगह थी जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। लड़का कभी भी बुलाता तो लड़की उसी जगह पर जाया करती थी। अचानक से एक दिन ऐसा होता है, लड़का लड़की को कॉल करता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे आपसे अकेले में मिलके अपने दिल की बातें करनी है। लड़की सोचती है कि लगता है लड़का मुझे आज प्रपोज करेगा और कहेगा, मैं सारी उम्र आपके साथ बिताना चाहता हूँ। और लड़की अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होती है और कहती है, हाँ ज़रूर, मैं आपसे मिलने आऊँगी। और लड़का कहता है, कल ठीक 6 बजे आपको उसी जगह पे आना है जहाँ पे हम अक्सर मिला करते हैं। फिर लड़का कॉल काट देता है। लड़की सोचती है कि लगता है वो लड़का अपने दिल की बातें आज मुझसे पूरी तरह से कह सकेगा। वो मुझसे कह सकेगा कि क्या आप मुझसे शादी करोगे और सारी उम्र मेरे साथ बिताओगे। और लड़की तैयार होकर लड़के से मिलने जाती है। और लड़की को ये नहीं खबर थी कि आखिर लड़का मुझसे क्या कहने वाला है। और ठीक उसी समय उसी वक्त पे वो लड़के से मिलने जाती है। और जब पहुंचती है लड़के के पास तो लड़का कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है, कि आप घबराओगे तो नहीं, कि आप मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानोगे। लड़की कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो इसमें घबराने वाली क्या बात। आपके दिल में जो भी है आप मुझसे कह सकते हो और मैं किसी भी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। और लड़का मायूसी से कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं आपसे कितनी प्यार करती हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो कह के देखिए, मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानूंगी। पर लड़की को ये खबर नहीं थी कि आखिर लड़का उससे क्या कहने वाला है। लड़का कहता है, मेरे सिर पे हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगी। लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानूंगी। लड़का उस लड़की का हाथ अपने सर पे रखता है और कहता है,